इस समाचार के प्रायोजक हैं श्री मोबाइल इंडिया, एबीसी सारी शोरूम और अभिषेक इंटरप्राइजेस। सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रसर रहने वाले शिवसेना के बिहार प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार सिंह, जो हमेशा समाज के निर्धन और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, उनके और संगठन की तरफ से गुरुवार को बैरिया स्थित एक विवाह भवन में मध्यम परिवार की बेटी का कन्यादान किया गया। शिवसेना के बिहार प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने कन्यादान कर और नव दंपति को शुभकामनाएं दिया, साथ ही उपहार भी दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए, जिससे समाज में जागरूकता फैलती है और दहेज जैसी कुप्रथा का नाश होता है। इस मौके पर शिवसेना के जिलाध्यक्ष शशांक ठाकुर, प्रकाश सिंह, संजीव ठाकुर, कंचन झा, रणधीर सिंह, शरद किरण, राम रतन सिंह, राजन झा आदि शामिल हुए। आज मैं मुजफ्फरपुर में अपनी मतलब एक हमारे समाज से मुजफ्फरपुर की बेटी है जिसकी कन्यादान करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और आज मैंने और कल भी मैं अपने औराई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था। दौरा करने का हमारा पर्पज यही था, उद्देश्य था कि जो बाढ़ आई थी और चमकी बुखार में भी हमने दौरा किया था और लोगों की मदद भी की थी। और अहियारपुर में जो घटना घटी है 7 दिसंबर को, अहियापुर में जो घटना घटी है, उस परिवार से मैंने मुलाकात किया और उनकी जो वहाँ की जो घटना घटी है, इसके लिए सरकार से मैंने अपील भी किया है कि इसकी न्यायिक जाँच हो और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और बहुत जल्द सजा मिले। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो हैदराबाद में घटना घटी थी और वहाँ की प्रशासन पुलिस जो है इतनी एक्टिव थी कि 10 दिनों के अंदर में उसकी जितनी जो आप लोगों के सामने है कि उसकी सजा मिल गई। क्योंकि वहाँ की पब्लिक बहुत कंसियस है, वहाँ की जनता काफ़ी जागरूक है और उसी तरह का जनता को हमें अपने बिहार में मुजफ्फरपुर वासियों की जनता को सभी को जागरूक बनाना है। और जो भी इस तरह की आपराधिक तत्व के लोग जो इस तरह की घटना करते हैं उसको हमें किसी न किसी रूप से रोकना है और बिहार को, मुजफ्फरपुर को एक स्वच्छ मुजफ्फरपुर और सुरक्षित मुजफ्फरपुर बनाना है। और मुख्य उद्देश्य मेरा ये था। अभी मैंने छठ पूजा के समय में और आई विधानसभा क्षेत्र में कई पंचायतों में गरीब, दलित और जो मतलब विधवा महिला हैं उनको हमने 1001 साड़ी का वितरण किया, 50 जोड़ी धोती दिया। ये मेरी कोशिश थी कि किसी तरह से छठ पूजा हमारे बिहार का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, उसमें उन लोगों की हम मदद करें और हमारी पार्टी भी इसके लिए काफ़ी अक्षर थी और आगामी आने वाली चैती छठ में मदद करेंगे। मुसलमानों की जो पर्व है ईद, उसमें भी हम लोगों का ध्यान है कि उन लोगों को भी कुछ हम आर्थिक रूप से मदद करें। ये हमारी कोशिश हमेशा से रही है। आज का कार्यक्रम है कि हमारी समाज से, हमारे समाज की मुजफ्फरपुर जिला के बेटी है जिसका मेरा हमेशा प्रतिवर्ष मेरा कोशिश रहता है कि कम से कम कुछ ना कुछ एक दो कन्यादान में करूं। और इसीलिए मैंने उस बच्ची की पिताजी को आग्रह करके, विनती करके कि आप हमें अपनी पहली पुत्री का कन्यादान करने का सौभाग्य मुझे प्रदान करें और उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान करने का मौका दिया। इसके लिए मैं काफ़ी मतलब उत्साहित हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह का कार्य मैं करते रहूँ। और यही मेरी आप लोगों से परिचय। मैं प्रदीप कुमार सिंह शिवसेना का प्रदेश सचिव हूँ और मैं अभी विगत लोकसभा चुनाव भी मैंने मुजफ्फरपुर से लड़ा था और आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव मैं औराई विधानसभा क्षेत्र से लड़ने जा रहा हूँ। श्री मोबाइल इंडिया पानी टंकी चौक, क्लब रोड, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, सभी ब्रांड्स और रेंज के मोबाइल फोन का एक्सक्लूसिव शोरूम। श्री मोबाइल इंडिया में आसान किस्तों पर आप अपना मनपसंद मोबाइल ले सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट, 0% डाउन पेमेंट और 0% प्रोसेसिंग फी के साथ। साथ ही आप अपने पुराने मोबाइल को एक्सचेंज भी करा सकते हैं। ऑनलाइन मिलने वाले स्मार्टफोन यहाँ ऑफलाइन लें, वो भी ऑनलाइन से सस्ता। एप्पल आईफोन, वन प्लस, रेडमी, रियलमी, HTC, ओप्पो, वीवो, सैमसंग और नोकिया जैसे ब्रांड्स के सभी मॉडल्स का एक्सक्लूसिव रेंज। तो आज ही जाएं और अपने पसंद का मोबाइल ले आएं, क्योंकि इससे सस्ता कहीं और नहीं मिलेगा। श्री मोबाइल इंडिया, क्लब रोड, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में।